गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बी ए पार्ट 3 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक निगम की विशेषताओं को देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या ये विशेषताएँ स्पष्ट करती हैं लोक निगम के संबंध में, उस पर चर्चाएँ आप लोग बीच में करेंगे। जो लोक निगम है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम उस प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं। लोक निगम का उद्देश्य है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। उस संबंध में हम विशेषताओं में देखते हैं लोक निगम की, तो विशेष अधिनियम द्वारा सम्मिलित संस्था, इसको राज्य, स्टेट और फिर से क्या कहते हैं कि उस संस्था को चलाने के लोग मिलके विशेष अधिनियम के तहत उसको, है ना, बनाया जाता है और बनाने के बाद उसे लोक निगम या बोर्ड को चलाने की पूरी माने कार्रवाई की जाती है। दूसरी विशेषता है पृथक वैधानिक अस्तित्व, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका अस्तित्व अलग, हर संस्थाओं का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। उसी तरीके से लोक निगम अपने तरीके से चलाने के लिए स्वतंत्र है, उसका जो अस्तित्व है वो अलग होता है, उसका वैधानिक है, उसका नियम है ना, वो सब अलग होते हैं क्योंकि वो अपने तरीके से चला है। नेक्स्ट है राज्य की स्वामित्व, यानी राज्य के नियंत्रण से कोई बाहर नहीं है, उस पे राज्य का नियंत्रण होगा, स्वामित्व राज्य का होगा, ना कि किसी प्राइवेट संस्था का। इसलिए कि जब लोक निगम पे यदि राज्य का हाथ हट जाएगा तो लोक निगम मनमानी करेगा और मनमानी के साथ साथ लोगों को परेशानी होती है, इसीलिए राज्य के स्वामित्व को रखा गया है कि वो उसके पास रहेगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र वित्त व्यवस्था, लोक निगम में जो भी वित्त की व्यवस्था होती है वो स्वतंत्र होती है, क्योंकि लोक निगम आज़ाद है अपनी उस व्यवस्था को चलाने के लिए, बोर्ड को चलाने के लिए, इसलिए उसके पास स्वतंत्र वित्तीय व्यवस्था की विशेषता है। बोर्ड द्वारा प्रबंध, जो भी उसमें कमियाँ, क्या इंक्रीमेंट की जाए, क्या उसमें सुधार किया जाए, उसके लिए बोर्ड तय है। बोर्ड अपने उस लोक निगम को, है ना, मैनेज करने के लिए वो सारा काम करता है। उसी तरीके से नेक्स्ट आप देखेंगे उद्देश्य की स्पष्टता होती है लोक निगम की, वो कोई भी लोक निगम हो, जल निगम हो, या LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो, चाहे टाटा स्टील हो, तमाम तरीके के जो कॉरपोरेशंस हैं, उन कॉरपोरेशंस का जो मुख्य एम है वो स्पष्ट होता है कि इसमें ये फला फला चीज होने हैं। ठीक, नेक्स्ट आप देखेंगे उद्देश्य की स्पष्टता के बाद आप देखेंगे प्रशासनिक स्वायत्तता, प्रशासन यानी लोक निगम का प्रशासन स्वायत्त है अपनी उस व्यवस्था को चलाने के लिए। उसमें जो भी मामले होंगे लोक निगम में, लोक निगम अपने प्रशासनिक तरीके से उन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक निगम एक स्वायत्त संस्था है और उसमें प्रशासनिक लेवल पे वो जो समस्याएं हैं उनका निराकरण प्रशासनिक स्वायत्तता के तहत खत्म कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे नंबर एक है आपका सार्वजनिक एकाधिकार, सार्वजनिक एकाधिकार, इससे किसी पर्सनल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, इससे सबका अधिकार होगा, क्योंकि ये सभी लोगों के मिलने से ही ये निगम चल सकती है, इसलिए इस पे अधिकार किसी एक व्यक्ति का ना होगी, सभी लोगों का अधिकार होगा। और हम कह सकते हैं कि इसकी विशेषताओं में नंबर एक यही है। नौवा देखेंगे आप संसद व कार्यपालिका के नियंत्रण से, संसद व
कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त। लोक निगम संसद और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त है, इस पे संसद और कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, इसलिए वो अपने तरीके से लोक निगम अपनी व्यवस्थाओं को देखता है। यदि संसद या कार्यपालिका का नियंत्रण हो जाए उस पे, तो हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका है, यदि इसके नियंत्रण में होगी तो लोक निगम अपना 100% नहीं दे पाएगी, उसमें रुकावट सारी पैदा होगी और उन्हीं रुकावट को खत्म करने के लिए उसको संसद और कार्यपालिका से मुक्त किया गया है। दसवां देखेंगे, इसका उद्देश्य स्पष्ट है, इसका उद्देश्य है सेवा का। लोक निगम लोगों की सेवा के लिए बना हुआ आत्मसंगठन निगम है और समूह के उद्देश्य है सेवा। सेवा इसलिए कि उसका एम ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख और वो जो सुविधाएं हैं उसको सुविधाएं प्रोवाइड करा दें, जिससे लोग अपने अपने निजी जीवन में समस्याओं को है ना हल कर सके। उन्हीं हल करने के लिए पब्लिक कॉर्पोरेशन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन व्यक्ति को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, जो लोग उसमें अपने अपने उद्देश्यों के लिए जाते हैं। उद्देश्य तो पब्लिक कॉर्पोरेशन का होगा, बाकी उसमें सबको अपना हाथ बढ़ाना है और लोक निगम को सफल बनाना है, यही उसके मुख्य विशेषताएँ हैं। आगे हम इस पर चर्चा कर लेंगे। लोक निगम के प्रकार, लोक निगम के प्रकार, इसके तीन प्रकार हैं। तीनों प्रकार पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे वे निगम, पहला आप देखेंगे, पहला निगम हुए हैं जिनका स्वामित्व पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से सरकार के हाथों में रहता है और उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे आप देखेंगे इस तरीके के कॉर्पोरेशन में LIC, FCI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और देखेंगे राष्ट्रीय कोल, ये एक नंबर हो जाएगा, ये दो नंबर, तीन, राष्ट्रीय कोल, राष्ट्रीय कोयला विकास, ये इनका स्वामित्व राज्य के पास है। राज्य इस तरीके के प्रकार पे अपना नियंत्रण स्थापित की हुई है, LIC पे, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया पे और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम। दूसरा प्रकार देखेंगे, दूसरे प्रकार के में वे निगम आते हैं जिनमें सरकार पूंजी लगाती है और किसी न किसी प्रकार प्रतिनिधित्व रखती है, किंतु इनका नियंत्रण गैर सरकारी हाथों में रहता है। ऐसे निगमों को हम मिश्रित निगम की संज्ञा भी देते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इस तरीके की संस्थाओं में थे जिसमें सरकार पूंजी लगाती है, लेकिन गैर सरकारी संस्थाओं को भी कुछ अधिकार देती है, जिसमें वो अपने तरीके से इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को आगे मैंने कार्यान्वित कार्य के रूप में बढ़ाते हैं। तीसरा प्रकार देखते हैं लोक निगम के, लोक निगम का वो तीसरा प्रकार जिनमें न तो सरकार पूंजी लगाती है
और न प्रतिनिधित्व रखती है। ऐसे निगमों की स्थापना निजी व्यवसायियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं। ऐसे निगम गैर सरकारी यानी प्राइवेट कहलाते हैं। हम जैसे देख सकते हैं उदाहरण के रूप में टाटा यानी टाटा का मतलब है आयरन स्टील कंपनी और ओबेरॉय मोटर्स, ओबेरॉय होटल्स। उसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं ताज गांगेज, ये भी एक फाइव स्टार होटल है। इस तरीके के लोक निगमों में इनका उद्देश्य स्पष्ट है कि इनका उद्देश्य निजी लाभ है। निजी लाभ के साथ साथ लोगों से भी जुड़ा हुआ है ये सब जो संस्थाएं मनोरंजन से डाटा है और होटल्स है, ताज गंगेज है। इनका उद्देश्य स्पष्ट है कि निजी है, लेकिन निजी के साथ साथ इनका संबंध लोगों से भी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोक निगम के प्रकार तीन है। तीनों में एक जो पहला है इसमें सरकार का पूरा नियंत्रण है, दूसरा देखेंगे इसमें सरकार का आधा नियंत्रण है लेकिन गैर सरकारी संस्थाओं को भी मान्यता है, तीसरे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है यानी इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं होती होती है, लेकिन इन्वॉल्व उस जगह होती है जहाँ पे ये गैर तरीके से यदि अपने निजी लाभ के लिए देश को सेकेंडरी रखेंगे तो उस संबंध में यहाँ पे सरकार अपना प्रभाव दिखा सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो व्यवसायी है व्यवसायी सरकार के खिलाफ नहीं जाते, सरकार के मंशों के खिलाफ ही काम करते। तो ये टाटा है, ओबेरॉय होटल्स है और ताजगंज है, इनका मुख्य काम है लोक निगम को आगे कार्यान्वित करना। ये लोक निगम के प्रकार इस तरीके से रहे। अब हम देखेंगे लोक निगम के उद्देश्य। बगैर उद्देश्य के कोई संस्था अभिनय नहीं की जाती, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है जिस उद्देश्य के लिए वो संस्था अपना काम करती है। तो उद्देश्य के संबंध में हम आप लोगों के बीच पढ़ते हैं। सरकारी विभागों का उद्देश्य प्रशासन होता है यानी प्रशासन करना होता है लोगों पे, परंतु सरकारी निगमों का निर्माण तीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। पहला है साख बढ़ाने, साख बढ़ाने या सुगम बनाने या सुगम बनाने के, यानी लोक निगम का उद्देश्य स्पष्ट है अपना क्रेडिट बढ़ाना और उसको इजी यानी सुगम बनाने के लिए इसका उद्देश्य लोक निगम का निश्चित यही है कि वो अपने क्रेडिट के लिए काम कर दिया। क्रेडिट के साथ साथ उसको कितना मार्ग प्रशस्त आसान कर दिया जाए तो सुगम बनाता है। दूसरा देखेंगे हम, इसका मुख्य दूसरा काम है किसी औद्योगिक व्यापारिक या अन्य किसी आर्थिक कार्य के, यानी इसका जो कार्य है वो है व्यापारिक। ठीक, लोक निगम का उद्देश्य तीसरा है व्यापारिक। व्यापारिक रूप से वो व्यवसाय करती है, उस व्यवसाय उसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय है और वो व्यवसाय लोगों का है, लोगों के जुड़ने से इसका व्यवसाय यानी लोक निगम का आगे बढ़ता है। तीसरा उद्देश्य हम आपके बीच रख देते हैं, तीसरा है किसी प्रदेश विशेष के बहुदंडी विकास के, यानी इसका तीसरा जो उद्देश्य है वो है विकास। विकास किसके लिए? लोगों के लिए। लोक निगम का उद्देश्य विकास है और विकास का संबंध लोगों से है। ये जो विकास है लोगों के लिए किया जाता है। हम देख सकते हैं कि लोक निगम का उद्देश्य अपना
साख बढ़ाना है और साख बढ़ाने के साथ साथ सुगम बनाना है। दूसरा उद्देश्य व्यापारिक है और तीसरा उद्देश्य विकास है जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लोक निगम की जो मुख्य मंशा है यही है। हम आज उसके प्रकार विशेषताओं और उद्देश्यों को स्पष्ट करते नेक्स्ट लेसन हम कल मुलाकात होगी। कल के मुलाकात में हम लोग स्वतंत्र नियामकीय आयोग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।